हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्त्री 2 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जहाँ तक कि हम सभी को पता है कि स्त्री मूवी बॉक्स ऑफिस पे इस समय एक अनस्टॉपेबल मशीन की तरह कमाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थिएटर्स में लोगों ने टिकट्स खरीद खरीद के मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने पर लोग आ चुके हैं। जहाँ तक अभी तक मूवी की कमाई है उसको देख के ये लग रहा है कि ये मूवी इजीली बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का मादा रखती है। ये मूवी 400 से 500 करोड़ तक पहुँचने का भी मादा रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 400 से 500 करोड़ कैसे, इसमें तो कोई बड़ा स्टार नहीं है। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि मूवी का जो कॉन्टेंट है और मूवी का जो पहला पार्ट था वो इतना बड़ा सक्सेस था कि दूसरे पार्ट को सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने से शायद ही कोई रोक पाए। पहले तो मैं आपको बॉक्स ऑफिस अपडेट के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्त्री 2 सुप्रीम कलेक्शन इस मूवी का देखने को मिला है। इमर्ज द अनडिस्प्यूटेड लीडर एट द बॉक्स ऑफिस। करंटली इट्स द ओनली हिंदी फिल्म सक्सेसफुली कैपिटलाइजिंग ऑन दिस एक्सटेंडेड वीकेंड, ड्रॉइंग इन ऑडियंसिस इन ड्रोव्स। डे 3 हमें सैटरडे में मूवी ने फिर से एक अच्छी ग्रोथ ली है। सॉ अनदर सिग्निफिकेंट सर्च इन नंबर्स विद मेट्रोज एंड नॉन मेट्रोज मल्टीप्लेक्सेस एंड सिंगल स्क्रीन्स अर्बन सेंटर्स एंड मास बेल्ट ऑल ज्वाइनिंग द पार्टी। अब अगर हम बॉक्स ऑफिस डे वाइज कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन था वो लगभग 64 करोड़ के आसपास था प्रीव्यूज़ और थर्सडे को मिला करके। फिर फ्राइडे की बात करें तो 30 लाख एंड सैटरडे को मूवी ने इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ ली है, लगभग 10 करोड़ ज़्यादा कलेक्शन किया है एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे। और मूवी ने 45.70 करोड़ का कलेक्शन किया है। और आप बिल्कुल भी शौक मत होइएगा अगर ये कलेक्शन संडे के दिन एक बार फिर से 50 करोड़ क्रॉस करता है। और अगर ऐसा होता है तो मूवी इजीली अपने फर्स्ट 4 डेज में जो है वो 200 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और यहाँ से मूवी का और 200 करोड़ कमाना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होने वाली है। तो इतना साफ है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और यहाँ से 400 करोड़ जाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मूवी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इससे फिल्म इंडस्ट्री में एक और फ़ायदा होगा, वो ये है कि जो कि नया कुछ करने की जो मादा रखते हैं या फिर कुछ नया मूवीज़ बनाने की कोशिश करना चाहते हैं वो डरेंगे नहीं। उन्हें एक विश्वास होगा कि नहीं, ऑडियंस जो है वो थिएटर में जाकर के मूवी देखेगी। ऐसा नहीं है कि थिएटर्स में जाकर के जो है स्टार किड्स के बच्चों को ही लोग देखने वाले हैं या फिर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को ही लोग देखने वाले हैं। अगर मूवी अच्छी रहती है, कंटेंट अच्छा रहता है तो लोग जो है कहीं ना कहीं स्त्री जैसी जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़े बजट की मूवी नहीं है, इस तरह की मूवीज़ को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ के कंपटीशन की बात करें तो अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में भी रिलीज़ हुई थी जो कि बॉक्स ऑफिस में कुछ खास नहीं कर पाई। मूवी ने अपने पहले 3 दिनों में सिर्फ 11 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्री मूवी को कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं क्लैशेस भी मिले हैं। 3 मूवी से क्लैशेस भी मिले हैं लेकिन फिर भी मूवी जो है बॉक्स ऑफिस में धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।